नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा का इन दिनों आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। वहीं इसके बाद दिल्ली में राघव और परिणीति ने अपने घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया था। इस दौरान सनातन संस्कृति के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी जगगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पधारे थे। शंकराचार्य ने इस जोड़े के घर पर कुछ समय बिताया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो शंकराचार्य का अपने घर पर स्वागत करते नजर आ रहे थे। इस दौरान राघव चड्ढा ने शंकराचार्य स्वामी को दंडवत प्रणाम भी किया था। राघव चड्ढा की ये सादगी हर किसी को भा गई थी। वहीं हाल में राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पहुंचे थे। यहां इस जोड़े ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में शिरकत किया था। मां गंगा की आरती के दौरान दोनों भक्ति में लीन दिखाई दिए थे। वहीं परिणीति भक्ति में लीन भजन गाती भी नजर आई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों ने गंगा आरती भी की थी और इस मौके पर इनके परिवार वाले भी मौजूद थे। बता दें कि गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने उन्हें अंग वस्त्र और प्रसाद भी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर राघव और परिणीति की कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही है, जिस पर लोग जमकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, परी द मोस्ट हम्बल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, शी ट्रूली द बेस्ट। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, लाजवाब कपल। वहीं एक और यूजर का कमेंट आता है, जय गंगा माँ। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, हर हर गंगे। तो देखा आपने, लोग राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की फोटोज और वीडियोस पर जमकर अपने रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने पिछले साल 24 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस होटल में करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच शादी की थी। इस शादी में बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां तो कम ही दिखाई दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता इस शादी में दिखाई दिए थे। इनकी शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। वहीं इसके अलावा इस शादी में हरभजन सिंह, गीता बसरा, सानिया मिर्जा, मनीष मल्होत्रा और आदित्य ठाकरे जैसी बड़ी हस्तियां भी पहुंची थी। बात करें एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की, तो परिणीति चोपड़ा ने इस साल चमकीला नाम की फिल्म में काम किया था। एक्ट्रेस ने फिल्म में अमरजोत का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए परिणीति ने 16 किलो वजन भी बढ़ाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई थी। फिल्म में परिणीति के साथ एक्टर दिलजीत दोसांझ अहम रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म से पहले परिणीति चोपड़ा ने कई फ्लॉप फिल्में दी है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी फिल्म चमकीला के जरिए एक्ट्रेस ने सालों बाद हिट फिल्म का स्वाद चखा है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।